इस बॉलीवुड में ना हर टाइम कुछ ना कुछ नया बनते रहता है, कभी कचरा बनता है, कभी कभी अच्छा कंटेंट लेके बॉलीवुड आता रहता है। इसी के साथ जॉन अब्राहम अपने अपकमिंग मूवी अटैक को लेकर आ रहा है, जिसको देखने के बाद मिस्टेक्स ढूंढने के अलावा मेरे को मिला सच में कुछ पॉजिटिव पार्ट्स, जो मैं आज वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली इंडिया में, बॉलीवुड में इनफैक्ट, इस टाइप का मूवी हाई बजट में बनना ही एक अलग बात है, उसके साथ अमेजिंग वीएफएक्स, क्योंकि इस टाइप का मूवी कंप्लीटली बेस्ड ही होता है वीएफएक्स के ऊपर। सो जैसा कि मैंने देखा ट्रेलर में इसका वीएफएक्स, ओ माय गॉड, कंप्लीटली अमेजिंग, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अभी पार्ट बाय पार्ट बात करते इसका वीएफएक्स, तो पहले सीन में अगर आप देख सकते हो एक फाइट सीक्वेंस है छोटा मोटा, जहां पे हल्का फुल्का वायरल किया गया लेकिन वो पता नहीं चल रहा है, ये बहुत अच्छा लगा देख के मेरे को। और इसके बाद एक सडन लेक सीन है जहां पे वो रूफटॉप से कूदने वाला होता है, इस टाइप का सीक्वेंस में क्या होता है, कैरेक्टर के सामने ग्रीन स्क्रीन होता है, उसको रिमूव करके रोड बैठाया जाता है, लेकिन यहाँ पे देख के जो सीसी हुआ है, जो एज इंटीग्रेशन हुआ है, अमेजिंग। उसके बाद जब वो जंप कर रहा है ना, लिटरली जब वो जंप कर रहा है, वो सच में बहुत रियलिस्टिक था। तो इसके बाद का एक छोटा सा सीन है जहां पे आप देख सकते हो क्लियरली कंप्लीट होलोग्राम सीक्वेंस है, जहां पे कैमरा पैन हो रहा है, देन एक सडनली ट्रांजिशन हो रहा है, जो सच में बहुत अच्छा था। ऐसा ट्रांजिशन, इतना सुंदर सीमलेस ट्रांजिशन मैं बहुत दिनों बाद देखा, जिसको देख के मेरे को लिटरली लग रहा था ओ माय गॉड, ये तो अपना आयरन मैन है। अब देखो इस मूवी जो है रेफरेंस लिया गया रोबोकॉप, ब्लडशॉट, आयरन मैन का होलोग्राम, इस सबसे रेफरेंस लिया गया, जो सच में अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। इसके बाद क्या छोटा सा सीक्वेंस जहां पे देख सकते हो कैमरा रोटेट है, एक छोटा सा क्यूब ऐसे आके रुकता है यहां पे, उस क्यूब का जो एनिमेशन है अमेजिंग लगा। उसके बाद होलोग्राम क्रिएट हो रहा था, आप मेरे फेस में देख के बता सकते हो कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस मूवी का वीएफएक्स को लेके, जो कि सच में होना भी चाहिए, क्योंकि पहली बार मेरे को लगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा होने वाला है फाइनली। लास्ट में एक सीन में मैंने देखा कि एक बाइक रोड सीन चेस सीक्वेंस था, वो भी बहुत अच्छा, जो रोड था वो ऑब्वियसली सीजीआई था, लेकिन देख के पता नहीं लग रहा था। तो देखो वीएफएक्स कभी अच्छा होता है जब वो देख के पता नहीं चलता, इनफैक्ट लाइक 98% आप उसमें भरोसा करने लगते हो कि हाँ ये है सच में, लाइक एग्जिस्ट करता है, सो दैट मीन्स कि ये वीएफएक्स अच्छा है। हाँ ऑब्वियसली बजट मैटर करता है, इस मूवी का बजट भी बहुत अच्छा है 100% श्योर, और जो वीएफएक्स कर रहा है जो कंपनी, वो भी ऑब्वियसली टॉप रेटेड कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। सो यस, ये ओवरऑल मूवी का वीएफएक्स मेरे को बहुत अच्छा लगा। मूवी का स्टोरी के बारे में मैं बात तो नहीं करता इस टाइप का वीडियोस में, पर अगर आप लोगों को वीडियो कंटेंट पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करो, फीडबैक में बताओ आप लोगों के बारे में क्या आपका राय है इस वीडियो को लेके, इस मूवी ट्रेलर को लेके क्या आपका राय है, और अगर आपके पास कोई सजेशन है जरूर बताना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए घर पर रहो, सेफ रहो, देखते रहो वीएफएक्स वर्ल्ड। मैं रजत, साइनिंग ऑफ।